नगरीय निकाय चुनाव को भले ही कुछ ही दिन रह गए हों, मगर इस बार सीधा जनता द्वारा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने से तामझाम बहुत कम दिखाई दे रहा है, बल्कि भीतर ही भीतर मतदाताओं को रिझाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। टिकट वितरण में भाजपा की तुलना में पिछड़ने के बावजूद चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस काफी कुछ आगे दिख रही। साथ ही अनुमान के विपरीत राजनीतिक एकजुटता देखने को मिली, जब पूर्व विधायक पद्मा मनहर के पति और कांग्रेस अजा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष घनश्याम मनहर भी सक्रिय दिखे और फिर विधायक उत्तरी गण पर जांगड़े ने भी जनसंपर्क कर माहौल को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास किया। गौरतलब है कि इसके अलावा युवा कार्यकर्ताओं और संगठन की टीमें जहां मुस्तैद दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा जन लोगों के बीच ही रणनीति बनाने और भीतर ही भीतर वोटरों को लुभाने में लगी है। फिलहाल कहना कठिन होगा कि पल्ला किसका भारी है, मगर चुनावी रंगत देखने में भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। फिलहाल कांग्रेस इस मामले में आगे है, लेकिन अभी शुरुआत ही आगे देखना बाकी है। 14 से चालू होते हैं, सब कार्यकर्ता सब अपनी प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। अभी वर्तमान में बरमकिला नगर पंचायत का चुनाव चालू है और हम लोगों ने विभिन्न वार्डों का दौरा किया है और हमारे साथ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष छोटे भाई ताराचंद पटेल जी और सारंगढ़ से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई पवन अग्रवाल जी भी साथ में हैं और हम लोगों ने अभी सुबह से आके चार वार्ड में, हम लोग चार पार्षदों के वार्ड में जाके पता किया तो चारों के वार्ड में कांग्रेस बहुत ही मजबूत स्थिति में है और हम तो चाह रहे हैं कि हम 15 से 15 पार्षद जीते।